के तहत कि वो चीज़ें इनको दिखाने की कि ताकि कल अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और ये जाने की और एक्सपोजर इनको मिलेगा कि आगे चलकर हमें क्या करना है, डिपेंडेंट ना रहे किसी पर। कुछ वो सिक्किम में ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये पूरा फोकस करके अपना रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। आजकल आपने देखा कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल उनको आजकल डिप्रेशन आम बीमारी है, वो डिप्रेशन में चली जाती है, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको उनके लिए काउंसलिंग का अलग सेशन रखते हैं। इस सीढ़ी से आ रही है और हमारे मतलब हमारे गांव में लड़कियों 80 ईयर्स के में मतलब जो होती है उनके नाम रजिस्टर लिखती है और जब मतलब फिर एमल आती है हमको एक क्लास मतलब जैसे स्कूल में एक क्लास देते हैं वैसे वो भी देती है हमारे सेंटर में और मतलब सब कुछ मतलब बोलती है क्या है घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होती किसी लड़की को प्रॉब्लम तो वो डॉक्टर भी आती है साल में दो मतलब दो बार ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वहाँ पर और जो मतलब ज़्यादा जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको श्रीनगर भेजते हैं मतलब ट्रीटमेंट के लिए। और जो मतलब ये मतलब है ना सेंटर हमको बहुत फ़ायदा मिला है इससे, जो मतलब बच्चे हैं उनको भी अच्छा फ़ायदा मिला है मतलब कुछ सीखते हैं वहाँ पे। बच्चे जो घर में होते हैं मतलब अभी स्कूल नहीं जाते जब वो सेंटर पे जाते हैं वो वहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं जो स्कूल में नहीं वो सेंटर में बहुत सीखते हैं।